हेलो गाइस, मैं हूं विनोद। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 24 वोल्ट का ई साइकिल बैटरी। तो ई साइकिल बैटरी बनाने जिस जिस कंपोनेंट की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। लियोन का बैटरी जो कि रिचार्जेबल बैटरी होते हैं, ये बैटरी आप आसानी से किसी भी कंप्यूटर शॉप में या फिर जो वहाँ पर लैपटॉप रिपेयर करते हैं वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं या फिर न्यू भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बैटरी यूज़ करेंगे। 7 AH बैटरी हम पैक बनाएंगे, तो हमें चाहिए 49 बैटरीज। उसके बाद ये रहा बैटरी क्लिप्स, जो कि बैटरी को इस तरह से होल्ड करके रखेगा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे बैटरी पर बैक पड़ने के बाद जो ट्यूब चाहिए उसे इंसुलेशन करने के लिए, ये रहा श्रिंक ट्यूब। बैटरी पैक बनने के बाद इसके अंदर हम डाल के इसे हीट करेंगे, तो अपना बैटरी पैक पूरी तरह से श्रिंक होके रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। और बैटरी को मैनेजमेंट करने के लिए, डिस्चार्ज और चार्ज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे 7S का BMS, जिसे बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे बैटरी पैक बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सिंपल कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम दो बैटरी लेंगे 3.7 वोल्ट का लिपो बैटरी। तो यहाँ पर मैं दो बैटरी कनेक्शन कर लेता हूँ। ये रहा एक बैटरी, ये रहा दूसरा बैटरी। पहला कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पर मैं दो बैटरी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा इसका पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव का जो टर्मिनल होता है वो आता है नेगेटिव में दूसरे बैटरी का, और ये पॉजिटिव है इसका निकल गया, ये नेगेटिव है इसका निकल गया। तो ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे थे 3.7 वोल्ट का बैटरी और यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट का बैटरी। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यानी 3.7 और 3.7 ऐड हो जाएगा, तो हमारा बैटरी 6.14 वोल्ट का बैटरी हो गया। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 3.7 वोल्ट और यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होता है, नेगेटिव कनेक्शन से नेगेटिव कनेक्शन होता है। और ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका आउटपुट हम मिलेगा 3.7 वोल्ट, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये रहा, सीरीज कनेक्शन में ये रहा 6.14 वोल्ट। बैटरी पैक बनाने से पहले इस बैटरी का हम वोल्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि इस बैटरी का वोल्टेज सेम आना चाहिए 3.7। देखिए ये बैटरी 3.9 आ रहा है, ये बैटरी सही है। इस तरह से आपको सारे बैटरी चेक कर लेना है। 3.6, 3.4, इस तरह से आपको सारे बैटरी चेक कर लेना है। अगर किसी बैटरी में 3.7 से नीचे हैं तो आप इसे सबसे पहले तो चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद हम बैटरी पैक बना सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉपर वायर्स। सो गाइस, फाइनली हमारा सीरीज कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सीरीज कनेक्शन करा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और पीछे भी सीरीज कनेक्शन करा हुआ है, देखिए। और यह रहा इसका नेगेटिव, जो कि हम इसे पैरेलल कनेक्शन करेंगे अभी। और इसके पीछे रहा पॉजिटिव, यह रहा इसका पॉजिटिव,
इसको भी हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो फटाफट से कर लेता हूँ मैं पैरेलल कनेक्शन। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो 7S है, एक एक एस में एक एक बारी बारी हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज हमें दिखा रहा है। सब कुछ इक्वली आउटपुट रहना चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि कितना आउटपुट हमें मिल रहा है। इसके बाद लास्ट वाला 26.5, बिल्कुल सही है, सब कुछ इक्वली आ रहा है 26 के बराबर। तो अभी मैं इससे पैरेलल कनेक्शन करके पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लेता हूँ। ये वाला नेगेटिव और ये है इसका पॉजिटिव। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये वायर इधर उधर टच ना हो, अगर टच हो गया तो ये बम का गोला बन जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, ये खराब हो जाएगा स्पार्क होके। आपको ध्यान से इसे कनेक्शन करना है। ऑलराइट गाइस, मैंने पैरेलल कनेक्शन कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव को। फिलहाल अभी हम इस बैटरी को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए हम इसमें यूज करेंगे BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ज़्यादा डिस्चार्ज होने नहीं देगा हमारे बैटरी को और ज़्यादा चार्ज भी नहीं होने देगा। इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे BMS। BMS को यूज करने के लिए यहाँ पर बैटरी में सारा जो सीरीज कनेक्शन किया हुआ है, इसे हम बारी बारी से पूरा कनेक्शन करना है इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर भी इसे जॉइंट करना है इस तरह से, सारे सीरीज को एक साथ जॉइंट करना है। BMS कनेक्शन करेंगे अपने बैटरी पैक में। तो यहाँ पर से मैं निकाल लेता हूँ। इस वायर में आपको पॉजिटिव मिलेगा रेड, और ये 6 सीरीज के लिए 6 वायर ब्लू में है, और ये रहा अपना ब्लैक जो कि है नेगेटिव। ये रहा इसका नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्शन हो गया। इसके बाद हम पहला सीरीज कनेक्शन करेंगे। ये रहा पहला सीरीज का वायर। इस बैटरी को ऐसे हम पलट कर देंगे। ये रहा पहला सीरीज, दूसरा सीरीज हमारा ये रहा दूसरा सीरीज। इस तरह से हम इसे सोल्डर कर देंगे, हो गया ये दूसरा। अभी हम तीसरा लेंगे, फिर से बैटरी को इस तरह से पलट लेंगे। तो ये रहा अपना तीसरा वायर, ये रहा तीसरा, फिर चौथा, और लास्ट में हमारा ये पॉजिटिव वायर। पॉजिटिव वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए पॉजिटिव। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर BMS में दो टर्मिनल है। यहाँ पर लिखा गया है B- और यहाँ पर P-। B- है इसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर सोल्डर होगा, और P- में नेगेटिव का इनपुट और आउटपुट जो कि डिस्चार्ज होगा और अपना बैटरी भी चार्ज होगा। पॉजिटिव वायर लेंगे जो कि पॉजिटिव में सोल्डर कर देंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें 26.6 का आउटपुट मिल रहा है जो कि बहुत सही है। और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दो फाइबर शीट यूज कर रहा हूँ। एक फाइबर शीट जाएगा नीचे और यह रहा इसके ऊपर, और इसके ऊपर रहेगा अपना BMS।
24 वोल्ट का मोटर यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। इसका पॉजिटिव पॉइंट में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ और इसका नेगेटिव पॉइंट में यहाँ पर कनेक्ट कर दिखाऊंगा आपको कि ये ऐसे काम करता है या नहीं। देखिए कैसे हो रहा है, देख रहे हैं आप। सेट दोस्तों, फाइनली हमारा बैटरी पैक बनके रेडी हो चुका है और इस बैटरी पैक को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सकते जी, और आप कोई भी सवाल है सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और एक्सपेरिमेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।